सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? अगर आप ये वीडियो देखें, मतलब कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं हम लोग ना अपने लाइफ में। कितना बकवास चीज पढ़ना पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के नाम पे हम लोगों को चूना लगा दिया गया है मैथ का, और हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, हम लोगों को इसी तरह जीना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा डिफरेंशिएशन का 8 क्लास है। इससे पहले हमने टोटल 7 क्लास ली है। ये भी पार्टिकुलर हमारा यू वाई बराबर यू बाई बी के फॉर्म पे बेस्ड है, जो कि हम लास्ट 2 क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड उम्मीद है कि आज जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, और प्रोबेबली ये 15 से 20 या 30 मिनट मैक्सिमम जाए, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। तो आप सारी क्वेश्चंस को देखेंगे और रिकॉल करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रॉपर एक नोट बना रहे होंगे तो इन सारे चीज़ों का आप अच्छे से फंडा इसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को हमने बनाया हुआ है लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 में है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मतलब हम लोग तो बेसिक बच्चा भी अब बताएगा कि भैया क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, हमारा नीचे वाला का स्क्वायर। नीचे में क्या है बताइए, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर। नीचे वाले को लिखते हैं तो एक्स प्लस वन को लिखा हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन माइनस, अब उल्टा एक्स माइनस वन को यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, दैट इज सॉरी एक्स माइनस वन को लिखे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा। देखिए, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू, इसको हम क्या लिख सकते होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वन। दो टर्म है तो दोनों टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना होगा, माइनस एक्स माइनस वन इंटू, फिर से यहाँ दो टर्म है दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्या हो जाएगा। देखिए, नीचे में क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू, अब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है, तो वन वन हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो, माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन, वन कॉन्स्टेंट है तो जीरो क्या हो जाएगा। देखिए, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आएगा बताइए, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। देख लीजिए, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, क्या बच गया, 2 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है यानी, तो ये हम लोगों को डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब ध्यान से देखिए, शायद इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, पहले दूसरा तरीका बताते हैं फिर पहला तरीका देखेंगे। जैसे नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बचपन में क्लास 8 में हमने पढ़ा था ना फैक्टराइजेशन बाय डिकम्पोजिशन मेथड, तो कैसे होता है बताइए। यहाँ पे कॉफिशियंट जो होगा क्या होगा बताइए, अगर ये सब आपको नहीं आता देन बताना है, ठीक है ना। अगर हुआ कभी टाइम हुआ तो क्या करेंगे, ये सब बेसिक चीज़ है, यही सब काम में आना है, ये फिर सॉल्व करने का तरीका, कुछ हायर चीज़ नहीं आएगा। बट अगर ये आप लोगों का थोड़ा सा कमजोर है देन कहीं ना कहीं परेशानी होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या होगा बताइए, यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू, ना टूटेगा वो दिमाग जो लगा रहे हैं वो ना हो पाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं।
जो सिंपल सा मेथड है उसी को अपनाते हैं। क्या है बताइए भैया सिंपल सा मेथड हमारा, कि नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर, तो नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो इसका स्क्वायर नीचे वाले को फिर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू को लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला जो कि क्या है एक्स प्लस वन, माइनस का साइन अब उल्टा हो जाएगा, क्या होगा बताइए एक्स प्लस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, अब यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन, पहले x का डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा 1 का डिफरेंशिएशन, माइनस x प्लस 1 इनटू, अब यहाँ पे तीन टर्म है तो तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 2x प्लस dy dx ऑफ 2, क्लियर है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्या होगा देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इनटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है, वन हमारा कांस्टेंट है तो जीरो होगा, माइनस एक्स प्लस वन इनटू क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स का टू हो जाएगा और टू हमारा कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखिए तो वन प्लस जीरो वन ही होता है, ठीक है ना, तो वन इंटू एनी थिंग यही रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए टू एक्स प्लस टू प्लस जीरो तो जीरो का कोई रूल नहीं है, खत्म हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू टू एक्स क्या होगा बताइए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फिर x इंटू टू क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, अब वन इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, वन इंटू टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्लियर है या नहीं बताइए। अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस, इसको आप सॉल्व करो देखो प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताइए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसी को हम फाइनल सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा बताइए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से आगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई कितना होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्लियर है या नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्या होगा बताइए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा भैया, क्या बचा रहा है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, धैर्य रखना, मजे में बनाते जाइए पागल जैसा, ठीक है ना, छत पर कहीं बैठ जाइए बोल बोल के बनाइए और मजा आएगा, पागल हो जाता है बनाने में, ठीक है ना। सो आराम से बनाइए, सब कुछ भूल के बनाइए, पूरा एकदम कंसंट्रेट करके बनाइए तो आराम से आंसर आ जाएगा, वरना क्या होगा हौच पौच हो जाएगा। चलिए देखिए दो क्वेश्चन हमारा और बच रहा है, 13 और 14 नंबर, थोड़ा सा जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा स्पीड सही है या नहीं थोड़ा सा बताइएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, या खाली सिर्फ हम बताते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको कमेंट करना है बताना है, ठीक है ना।
देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम प्रोसेस वही अप्लाई करना है। क्या सेम प्रोसेस है बताइए, कि नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका स्क्वायर, फिर नीचे वाले को लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला, ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो हमने बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या होगा बताइए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, अब यहाँ पे दो टर्म है तो डिफरेंशिएशन ऑफ पहला टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा टर्म जो कि वन है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू दो टर्म है, फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला जो कि एक्स स्क्वायर है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वन, होल डिवाइडेड बाय कितना होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू एक्स होता है, तो टू एक्स, वन हमारा कॉन्स्टेंट है तो जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स होता है और वन हमारा कॉन्स्टेंट है तो जीरो, होल डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, क्या बच जाएगा हमारा देखिए, अब ध्यान से आप देखो 2x 2x जो है हमारा कॉमन भी हम इसको ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस है, ध्यान देना है तीसरा खोलना है त्रिनेत्र, ठीक है ना, जो है हालांकि हम लोग इंसान है बट अपना जो है मन का आँख खोलना है, ठीक है ना, भगवान का रूप बन नहीं सकते, तो देखिए क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा बताइए माइनस दो हो जाएगा, तो दो एक्स इंटू माइनस दो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस टू इंटू टू क्या हो जाएगा माइनस फोर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल क्या हुआ डिफरेंशिएशन का वैल्यू है, क्लियर है ना, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आखिरी क्वेश्चन आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन लड्डू गोपाल वाला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग बनाते हैं और फिर आपका छुट्टी, ठीक है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, x माइनस वन बाय टू एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स माइनस फाइव। अब आप बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा, मतलब क्या क्वेश्चन है बेकार वाला, डिवाइड को भी घुसेड़ दिया मल्टीप्लाई वाला भी घुसेड़ दिया, कौन सा मेथड अप्लाई करो। हम बोलेंगे बाबू आप बताइए, अगर आप डिवाइड वाला अप्लाई करोगे मतलब कि इसको मल्टीप्लाई वाला सॉरी अप्लाई करोगे, इसको एक अलग टर्म मानोगे इसको अलग टर्म मानोगे, तो जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसका जब इस टर्म का करोगे, क्योंकि उसमें कंसेप्ट क्या है हर एक टर्म का होना चाहिए डिफरेंशिएशन, तो जब इस टर्म का करोगे तो डिवाइड वाला तो आ ही जाएगा, समझ रहे हो बात या नहीं, तो मल्टीप्लाई वाला करने से फायदा नहीं, हम क्या करते हैं डिवाइड वाला ही करते हैं। डिवाइड वाला ही करते बोलने का मतलब क्या कि ऊपर वाला पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में एक टर्म ले आएंगे नीचे में एक टर्म ले आएंगे और यू बाई वी लगाएंगे, क्लियर है ना, जब हमको करने हैं तो अभी हम काहे नहीं कर रहे, तो हम अभी मल्टीप्लाई करके u by v के फॉर्म में ले आते हैं इसको। तो देखिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या होगा बताइए, x इंटू टू एक्स तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू माइनस फाइव तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा y is equal to 2x square minus 7x plus 5 divided by 2x plus 3,
जब बर्बाद होना है तो अच्छा से बर्बाद होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या होगा बताइए। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, नीचे वाला का स्क्वायर। नीचे में क्या है हमारा, 2x+3 है, तो 2x+3 का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाले को लिखते हैं तो 2x+3 को हमने लिखा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला, ऊपर में क्या देखिए, 2x²-7x+5। फिर माइनस का साइन, अब ऊपर वाले को लिखेंगे तो 2x²-7x+5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। नीचे में क्या है देखिए, 2x+3, तो 2x+3। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा बताइए, dy/dx=2x+3 इनटू, अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म है तो तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन, dy/dx ऑफ पहला टर्म माइनस dy/dx ऑफ दूसरा टर्म प्लस dy/dx ऑफ तीसरा टर्म जो कि 5, ब्रैकेट 1 माइनस 2x²-7x+5 इनटू dy/dx ऑफ 2x प्लस dy/dx ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय कितना होगा, होल डिवाइडेड बाय 2x+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यानी सिंपल सा काम कर रहा है, कुछ है नहीं भैया, पहले क्लास वाला है, दूसरा क्लास वाला चीज है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा बताइए, 2x+3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x² का भैया डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, माइनस 7 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, प्लस 5 है हमारा 0 हो जाएगा, 5 हमारा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2x²-7x+5 इनटू 2x में फिर से वही बात है भैया, 2 बाहर जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 3 हमारा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कितना होगा देखिए, 2x+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यानी बताइए। अब देखिए इसको आप करिए सॉल्व, 2x+3 इनटू क्या बचेगा, 4x-7, क्यों, क्योंकि भैया 0 तो 0 है, बहुत ही प्यारा है, लड्डू को पा रहा है, ठीक है ना, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, -2x²-7x+5 इंटू 2 × 1 = 2 प्लस 0, तो 2 + 0 2 ही बचेगा, होल डिवाइडेड बाई 2x+3 का होल स्क्वायर, मतलब आपका नस पकड़ने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, धैर्य देखना चाहता है कि भैया आप में धैर्य है या नहीं है, ठीक है। देखिए बताइए क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x × 2x क्या हो जाएगा, 8x², फिर 4x × 3 12x, फिर -7 × 2x -14x, फिर -7 × +3 -21। अब माइनस है भैया यहाँ पे, तो माइनस क्या है देखिए, 2 यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ दिख रहा है, क्या करते हैं आप, तो 2 × 2x² क्या हो जाएगा, 4x² बाहर आएगा तो -4x², फिर 2 × -7x -14x होगा बाहर आएगा, तो यहाँ एक माइनस है ऐसे आप दिख रहा है, तो -14x और माइनस तो क्या हो जाएगा, +14x। 2 × 5 10 हो जाएगा बाहर, बट माइनस है यहाँ पे काल बैठा है तो -10 कर देगा, होल डिवाइडेड बाई 2x+3 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से क्या होता है बताइए, तो -14x + 14x कैंसिल हो गया, 8x² - 4x² तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है ना, 12x और कुछ नहीं है तो +12x -21 -10 क्या हो जाएगा, -31 डिवाइडेड बाय 2x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा इति श्री देवखंडो सप्तमो अध्यायो समापो वाच, ठीक है ना, जब हम लोग
रमेशा पूजा होता है हम लोगों के घर में, तो ये श्लोक बोला जाता है जब सातवां अध्याय खत्म होता है। तो सातवां अध्याय तो अभी खत्म नहीं हुआ है, बट यहाँ पे वाई बाई वी वाला फॉर्म का आई होप आपने सारा क्लास देखा होगा और आपको समझ में भी आया हो, ठीक है ना। बट अगर समझ में नहीं आया है देन फिर से देखिए और कमेंट करके पूछिए, ठीक है ना। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैसेज करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपसे बात कर लूँगा या रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है ना। और अगर आपको पसंद आ रहा है देन आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, UPI ID दिया हुआ है, आपसे जितना भी हो पाए देन आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें ताकि ये चैनल थोड़ा सा सस्टेन कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और बनाइए, मज़ा आ रहा है देन लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बोलिए।